आज हम बनाएंगे आलू पालक की सुपर टेस्टी और हेल्दी सब्जी। इस सब्जी की रेसिपी बहुत आसान है लेकिन खाने में उतनी ही डिलीशियस है। आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू पालक बनाने के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम पालक लिया है। इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था और बारीक कट कर लिया है। और साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिन्हें बड़े टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज का प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2 कम तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कली ली है। सभी को मैंने ये देखिए बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च की मात्रा कम कर सकते हो। अब हम एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाने पर मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 2 पिंच हींग और 1 कश्मीरी लाल मिर्च को इस तरह टुकड़ों में काट करके डाला है। अब हम कुछ सेकेंड के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी अच्छे से रखिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डाल देते हैं। इन्हें भी 1/2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई करेंगे। इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है, केवल ये सॉफ्ट हो जाएं इतना ही हमें इन्हें पकाना है। तो ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे पहले। यदि आपने आलू डालने से पहले टमाटर डाल दिया तो आलू को पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें पहले आलू डालेंगे और आलू को पहले 1-1.5 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इन पर एक क्रंच आ जाएगा अच्छा सा। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, जिससे आलू फटाफट से पक जाएंगे और इन पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी को ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। हमें 5-6 मिनट के लगभग हो गए हैं और जो आलू है काफ़ी हद तक पक गए हैं और ये देखिए प्याज भी और फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और टमाटर डालने के साथ ही मैं यहाँ थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। अब हमने पूरी सब्जी के हिसाब से इसमें नमक मिला दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पकाएंगे। हमें 1-1.5 मिनट के लगभग हो गया है और टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं। इन्हें पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें बाकी मसाले मिला देते हैं। हम इसमें लगभग 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर मिलाएंगे। हल्दी पाउडर और नमक हमने पहले ही डाल दिया है। इस सब्जी में बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। हमने मसालों को 2 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं कि तेल भी इसका सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें पालक डालेंगे। तो ये देखिए ये कढ़ाई पूरी ऊपर तक भर गई है। अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसे ढककर हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि पालक थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। हमें लगभग 3 मिनट हो गए हैं और अब हम धीरे धीरे कर आलू के साथ पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रही है ये सब्जी। हमने पालक का यूज़ अच्छे से किया है, पालक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये लीजिए आलू पालक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यदि आप ड्राई सब्जी चाहते हैं तो इसमें पानी मत मिलाइएगा, लेकिन मैं इसमें केवल
एक टेबल स्पून पानी मिला रही हूँ, बाकी पालक अपना पानी छोड़ देगा। इस सब्जी को मैं एकदम से ड्राई नहीं बना रही हूँ, हल्की सी ग्रेवी रहेगी। अब हम लो फ्लेम पर इसे 5-6 मिनट और पका लेंगे ताकि आलू और पालक 100% पक जाएं। तो ये देखिए हमें 6 मिनट के लगभग हो गए हैं और आलू पालक की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए आलू और पालक पूरी तरह से तैयार है। अब हम सब्जी में 1/4 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे। आप चाहें तो एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट खुले में ही और पका लेंगे। ये लीजिए आलू पालक की सब्जी हमारी तैयार है। सर्व करने के लिए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।